अजमेर की आदर्श नगर थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन और तस्करी को लेकर ट्रक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे लेकर खनिज विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट पर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। मामले की जानकारी देते हुए थाने के एएसआई भूरी सिंह ने बताया कि माखोपुरा बाईपास पर अवैध रूप से बजरी लेकर एकदम पर जा रहा था, जिसे पुलिस ने नाकाबंदी कर रुकवाया और इससे बजरी की सप्लाई को लेकर दस्तावेज मांगे गए जो ड्राइवर के पास नहीं थे। ड्राइवर राहुल को इस मामले में मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया और डंपर को जब्त कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। जी सर, क्या मामला है और क्या कार्रवाई करी है? आज दिनांक 29/7/2022 को थाना आदर्श नगर से नाकाबंदी के दौरान माखूपुरा तिराई पर जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक डंपर नंबर RJ42GA0263 जो अवैध बजरी परिवहन कर रहा है, जिस पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान उक्त डंपर को मौके पर पकड़ा गया। मौके पर पकड़कर उसका नाम पता पूछा चालक का, तो उसने राहुल पुत्र रमेश जाति गुजर उम्र 22 साल निवासी डूमवाड़ा जिला अजमेर का होना बताया, तो जिससे बजरी परिवहन बाबत रवन्ना व रसीद मांगी गई, तो रॉयल्टी की रसीद व रवन्ना होना अपने पास नहीं बताया, जिसको थाने पर लाकर सुरक्षा खड़ा करवाया गया था। आज खनन विभाग के अधिकारी शिवन बिट्टू खनि अभियंता निदेशक भू विज्ञान विभाग अजमेर ने हाजिर थाना होकर एक रिपोर्ट दी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। चालक को अभी गिरफ्तार करेंगे, थाने पर डिटेन कर रखा था, अब चालक को गिरफ्तार करेंगे, प्रकरण दर्ज किया जाएगा। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम भूरी सिंह है, एएसआई थाना आदर्श नगर।